हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन मेथड विकनार्ड के थ्रू सीख लिया था, ठीक है। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर बाय रिडक्शन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन में किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक रिएजेंट आएगा बच्चों, उसको आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मेथड हम समझते हैं डाइबेल एच के थ्रू, ठीक है। डाइबेल एच, अब देखो डाइबेल एच क्या होता है बच्चों, सबसे पहला इसका नाम हम ध्यान से समझते हैं। तो अगर मैं इसका नाम बोलना चाहूँ तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, डाइबेल एच का नाम क्या होगा बच्चों, डाई आइसो ब्यूटाइल, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसका नाम ये होगा बच्चों डाइबेल एच का, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब ये आपका डाइबेल एच का नाम है। अब देखो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा बच्चों, ये मैंने एल्यूमिनियम बना लिया, यहाँ पर ये मैंने आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, देखो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप में आपका लगा देता हूँ यहाँ पर, कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, कैसे भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने हाइड्राइड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका स्टेबल नहीं होता है, तो ये अपने आप को कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बच्चों, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो डाइमर फॉर्म में जब ये अपने आप को एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर स्ट्रक्चर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पर आपका ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका एल्यूमिनियम, और यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से आपका एग्जिस्ट कर जाएगा बच्चों ये आपका, ठीक है। यहाँ पर इसको डैश 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 कर लो, और इसको आप इसको भी डैश डैश डैश, और इसको आप कंटिन्यूस लाइन कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है बच्चों, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बन चुका है, तो ये आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये होगा कि ये आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं इसका प्रिपरेशन मेथड देखूं, तो प्रिपरेशन मेथड किस तरीके से होगा बच्चों, तो डाइबेल एच को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, बाय टाइबेल से हम किसको प्रिपेयर करेंगे, डाइबेल एच को, ठीक है। डाइबेल एच को देखो कैसे करेंगे, देखो टाइबेल का मतलब ट्राई आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो यहां पर आपका ट्राई आइसोब्यूटाइल बना दिया मैंने, यहां पर मैंने ट्राई आइसोब्यूटाइल ग्रुप बना दिया, ठीक है, ये मैंने ट्राई आइसोब्यूटाइल ग्रुप बना दिया। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, कौन सा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा तो क्या होगा बच्चों, यहां पर जो हाइड्रोजन होगा वो आपका यहां जाएगा, और यहां से ये वाला ग्रुप आपका बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से डबल बॉन्ड बन गया इस कंपाउंड की वजह से, और साथ में आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका बन जाएगा डाइबेल एच। इस तरीके से हमने यहाँ पर डाइबेल एच का प्रिपरेशन किया है, ठीक है बच्चों, डाइबेल एच का प्रिपरेशन हमने इस तरीके से करते, ठीक है। नाउ अब हम आगे चलते बच्चों, आगे क्या होगा इस रिएक्शन में उसको समझते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों आगे इस रिएक्शन में क्या होगा। देखो स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, प्रिपरेशन मेथड्स मैंने आपको बता दिया। तो ये यहाँ पर लिखते हैं दिस इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका क्या होता है बच्चों, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वीक रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये आपका सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव टाइप का, मतलब किसी सेलेक्टिव रिएजेंट बोल सकते हैं, मतलब कहीं कहीं आपका काम में आएगा। अब ये कहाँ कहाँ काम में आएगा तो अब हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं बच्चों। इसमें दो मैकेनिज्म है, अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूं या मैं हाई टेम्परेचर की बात करूं, तो मैं एक बार लो टेम्परेचर के केस में आपको बताऊंगा और हाई टेम्परेचर के केस में, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लो टेम्परेचर की कंडीशन में बात करूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर लो टेम्परेचर की कंडीशन में बात करूँ और मैं यहाँ पर हाई टेम्परेचर की कंडीशन में बात करूँ, लो टेम्परेचर मतलब 70 डिग्री सेल्सियस माइनस, ठीक है। अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूंगा तो ये आपका एस्टर को भी, एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, एस्टर को ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा बाय वन इक्विवेलेंट,
ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ललो टेम्परेचर में, तो ये यहाँ पर ललो टेम्परेचर में आपका साइनाइड, साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बाय वन इक्वलेंट। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बाय टू इक्वलेंट, ठीक है। सबसे पहले अमाइन में कन्वर्ट करता है। अगर मैं इसमें बात करूं यहाँ पर साइक्लिक ईस्टर को भी ये आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक ईस्टर को भी ये आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका एल्डिहाइड प्लस यहाँ पर एल्कोहल। तो यहाँ पर साइक्लिक ईस्टर को भी ये आपका वन इक्वलेंट में कन्वर्ट करता है। इसका मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है। लास्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर मैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंडीशन की बात करूं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल बॉन्ड को, कार्बोनाइल कंपाउंड को ये आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका वन इक्वलेंट के थ्रू ये आपका अलाइलिक, अलाइलिक एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर कन्वर्जन होता है। अब मैं बात करता हूँ हाई टेम्परेचर के केस की, तो हाई टेम्परेचर के केस में क्या करेगा बच्चों, ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को आपको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, बाय वन इक्वलेंट। अगर मैं बात करूँ कीटोन, तो कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, एल्कोहल में, बाय वन इक्वलेंट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं ध्यान से समझना चाहूँ, तो एल्डिहाइड को बाय इक्वलेंट, बाय वन इक्वलेंट एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और कीटोन को बाय वन इक्वलेंट एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड को, देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पर टू इक्वलेंट के साथ ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और एल्डिहाइड को आगे क्या कर देगा बच्चों, वन इक्वलेंट के साथ एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका कन्वर्जन होगा, ठीक है। और भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, यहाँ पर एस्टर को, एस्टर भी आपका एल्कोहल में कन्वर्ट होगा बाय टू इक्वलेंट। टू इक्वलेंट कैसे बच्चों, टू इक्वलेंट कैसे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पर एस्टर है, एस्टर आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में, किससे, वन इक्वलेंट से, और एल्डिहाइड आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है बाय वन इक्वलेंट। तो टोटल कितने इक्वलेंट हो गए बच्चों, यहाँ पर वन इक्वलेंट, यहाँ पर वन इक्वलेंट, टोटल कितने, टू इक्वलेंट, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये एट हाई टेम्परेचर, हम क्या बोल सकते हैं, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इट कैन बिहेव एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट कैन बिहेव एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूंगा, तो लो टेम्परेचर में ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो बच्चों, हाई टेम्परेचर में सबको एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसका यहाँ पर लो टेम्परेचर में अलग वर्क होता है, और हाई टेम्परेचर में इसका अलग तरीके से वर्क होता है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं एक एक करके ध्यान से, काफी इजी रिएक्शन है, तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं इसकी मैकेनिज्म, अब इसके मैकेनिज्म के पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। तो मैकेनिज्म इसका किस तरीके से होता है, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैकेनिज्म इसका किस तरीके से होगा, अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैकेनिज्म इसका किस तरीके से होगा काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अगर मैंने ध्यान से, अगर मैंने यहां पर क्या ले लिया, एस्टर कंपाउंड ले लिया, तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, लिथियम एल्यूम, यहां पर डायबेल एच होगा। अब देखो डायबेल एच क्या होगा, ये इस तरीके से आपका डायबेल एच होगा। अब आपको समझ में आएगा कि यहां पर किस तरीके से रिड्यूस कर रहा है। देखो यहां पर ये है, और अगर मैंने यहां पर बात कर लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में इसके ऊपर माइनस साइन, इसके ऊपर प्लस साइन, तो एल्यूमिनियम के ऊपर माइनस साइन होता था, तो यहां से आपका एच माइनस बाहर निकलता था, और वो क्या करता था बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था। लेकिन डायबेल एच की कंडीशन में ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल। अब यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये जो लोन पेयर है ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। अब जैसे ही लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओ प्लस, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। अब क्या होगा, प्लस चार्ज है और इसके ऊपर माइनस चार्ज, अब ये प्लस चार्ज है तो ये आपका ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपका क्या बना लेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ऊपर जाएगा तो ये आपका ओ, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर एच, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, यहाँ पर ओ आर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या होगा बच्चों,
नेक्स्ट स्टेप में अब ये देखो यहां से क्या होगा कि जैसे ही ये बॉन्ड ऊपर गया होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज ये आपका यहां अटैक करेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपका सी ओ एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल लिख देता हूं, आइसोब्यूटाइल, ठीक है, और यहां पर आपका ओ आर, ठीक है, और यहां पर आपका एच आ जाएगा। यह आपका एक तरीके का क्या बना लेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके 78 डिग्री सेल्सियस मतलब -78 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, अब यहां पर अब जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहां पर ये वाला बॉन्ड आपका नीचे खुलेगा और ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका देखोगे तो ध्यान से कि आपका एल्डिहाइड बन चुका है और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, आर ओ एच। इस तरीके से आपका इस तरीके से यहां पर इसका रिडक्शन होता है। अब देखो यहां पर जो रिडक्शन हो रहा है वो ये आपका क्या है, ये आपका क्या होगा बच्चों, लुईस एसिड, और यहां पर ये आपका क्या बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में किसकी तरह बिहेव करता था बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरह। थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म में काफी डिफरेंस है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ठीक है, तो इस तरीके से हमको रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको मैकेनिज्म को यूज करना है और किस तरीके से हमको रिएक्शन को ध्यान रखना है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हाई टेम्परेचर के कंडीशन में क्या होगा और लो टेम्परेचर के कंडीशन में क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे इसके न्यूमेरिकल पॉइंट पे चलते बच्चों, तो बच्चों अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, तो एक एक करके इसके क्वेश्चंस करते बच्चों, ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसके क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे, तो देखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायबेल एच। अब देखो डायबेल एच पे बेस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ बहुत सारे, ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहला, ठीक है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, यह आपका सी एन, यह आपका इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एच, यहाँ पर आपका एच, यहाँ पर ये आपका एच और यहाँ पर ये आपका एच, ठीक है। इसकी रिएक्शन मुझे अगर डायबेल एच के साथ कराना है तो कैसे होगा बच्चों, डायबेल एच के साथ देन फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो देखो आपको पता है कि डायबेल एच केवल और केवल इन सबको तो रिड्यूस नहीं करेगा, केवल और केवल किसको करेगा, सी एन को, तो सी एन को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, सिंपल ये आपका सी एन को ये आपका यहाँ पर एल डी हाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, सी एन को आपको यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका एल डी हाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम डायबेल एच के क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते बच्चों हम, यहाँ पर इसका ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ओ एम ई, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर सी ओ ओ ई टी। अब देखो इसका मुझे डायबेल एच के साथ रिएक्शन कराना है, अब देखो डायबेल एच के साथ रिएक्शन कराना है -78 डिग्री सेल्सियस मतलब लेस टेम्परेचर पे, और इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, ईस्टर है, केवल और केवल ईस्टर का कराएगा, तो ईस्टर का किस तरीके से कराएगा बच्चों, ईस्टर का किस तरीके से हाइड्रोलाइसिस कराएगा ये बच्चों, यहाँ पर ओ एम ई आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर ईस्टर के केस में मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम आपका यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपल क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपका एल्डिहाइड कंपाउंड बन जाएगा और ई टी ओ एच आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा, ई टी ओ एच आपका बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देखते हैं बच्चों एक एक करके, तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसा कर दिया, ये तो मैंने आपको अल्फा बीटा के अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड के कंडीशन में भी आपको बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में। अब यहाँ पर मैंने डायबेल एच ले लिया, ठीक है, डायबेल एच ले लिया और मैं यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोलाइसिस कराया, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, ये आपका केवल और केवल इसकी इस बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में इस बॉन्ड को रिड्यूस करता था, लेकिन यहाँ पर इसके केस में इस बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ये केवल और केवल इसको रिड्यूस करेगा और इसको किस में कन्वर्ट करता था बच्चों, अलाइलिक एल्कोहल में, इसको किस में कन्वर्ट करता था, अलाइलिक एल्कोहल में। तो
तो यहां पर ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एलाइलिक एल्कोहल में। यहां पर ये आपका CH2OH, मतलब ये आपका एलाइलिक एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस कंडीशन का बच्चों। और भी हम यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों एक एक करके, ठीक है, एक एक करके हम एक और यहाँ पर काफी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक क्वेश्चन कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से कंपाउंड बना दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये, यहाँ पर मैंने ये, देखो ये मैं अब यहाँ पर साइक्लिक ईस्टर बना देता हूँ। देखो ये आपका क्या है बच्चों, साइक्लिक ईस्टर। अगर मैंने इसकी रिएक्शन डायबेल एच के साथ करा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर मैंने इसकी रिएक्शन डायबेल एच के साथ -70 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो क्या होगा बच्चों? काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम अटैक करता था और यहाँ पर हाइड्रोजन जाया करता था। थोड़ा मैकेनिज्म को समझते हुए आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैक करता था, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन अटैक करेगा तो इस पॉइंट पर आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो इस पॉइंट पर मैंने क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, और इस पॉइंट पर आपका क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, हाइड्रोजन। देखो इस पॉइंट पर मैंने क्या बनाया था, एल्डिहाइड, और इस पॉइंट पर मैंने क्या बनाया, OH। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन प्रोग्रेस होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर काफी इजी रिएक्शन है, अगर एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं और भी रिएक्शन की बात करूँ यहाँ पर, तो एक और क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये मैंने क्वेश्चन लिया, ये इस तरीके से यहाँ पर ये आपका है कंपाउंड, यहाँ पर ये आपका इस तरीके का कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर ये आपका OR है और यहाँ पर ये आपका क्या है बच्चों, R है, ठीक है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन मैंने डायबेल एच के साथ कराया, किसके साथ बच्चों, डायबेल एच के साथ, ठीक है, डायबेल एच के साथ जब मैंने इसका रिएक्शन कराया तो आपका क्या बनेगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर ये आपका साइक्लिक ईस्टर है, अब साइक्लिक ईस्टर के केस में एल्यूमिनियम यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आएगा। तो जब यहाँ पर अगर आपका हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पर OR और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, R, ठीक है, और यहाँ पर आपका OH बन जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से आपका एल्डिहाइड कंपाउंड बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमको रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है, ठीक है। मैक्सिमम तो ये आपके एस्टर के केस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। और अगर मैंने ये कंपाउंड बना दिया, बाय द वे अगर मैंने इसका डायबेल एच लिख दिया तो क्या ये करेगा, डायबेल एच के साथ अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या ये रिएक्शन होगा, क्योंकि डायबेल एच तो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता ही नहीं है, तो यहां पर क्या जाएगा, नो रिएक्शन। तो डायबेल एच ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, डायबेल आपका ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह। अगर मैंने इसको हाई टेम्परेचर पे भी कर दिया तो भी ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो भी आपका इसको रिड्यूस नहीं करेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैंने इसी की रिएक्शन, इसी में मैं अगर इसमें मैं आपको एक और कैटेगरी बता देता हूँ, अगर मैंने इसकी रिएक्शन मैंने हाई टेम्परेचर पे करा दिया, देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये आपको इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको भी आपका किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों, ये आपका एल्कोहल में, इसको भी आपका किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, या आपका R, या आपका OR, और यहाँ पर आपका ये आपका CH2OH, ये भी आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर से अगर मैंने हाई टेम्परेचर की बात की तो लो टेम्परेचर पे आपका ये बनेगा और हाई टेम्परेचर पे आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, मैंने आपको बताया था एस्टर के केस में, ठीक है बच्चों। नाउ और भी हम यहाँ पर रिएक्शन को देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर ये वाला रिएक्शन लिया, ये मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने दो हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन मैंने डायबेल एच के साथ कराया तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैंने इसकी रिएक्शन मैंने अगर डायबेल एच के साथ कराया तो क्या होगा, देखो ये आपका क्या है बच्चों, कीटोन है और ये आपका हाई टेम्परेचर पे होगा, ये आपका कौन से टेम्परेचर पे होगा, हाई टेम्परेचर पे, तो ये आपका कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, एल्कोहल में। तो कीटोन को जब ये आपका एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर OH। देखो यहाँ पर इसने कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो डायबेल एच से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, लेकिन आपको आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने इस तरीके से आपका कंपाउंड बना दिया, देखो इस तरीके से मैंने आपका कंपाउंड बना दिया, ये मैंने CN बना दिया, ये मैंने CN बना दिया और इसकी रिएक्शन मैंने अगर डायबेल एच के साथ कराया, ठीक
ठीक है, डायबेल एच के साथ कराया, काफी फेमस क्वेश्चन है बच्चों ये। अगर मैंने इसकी रिएक्शन डायबेल एच के साथ कराया तो क्या बनेगा बच्चों? अगर मैंने इसकी रिएक्शन डायबेल एच के साथ कराया तो सी एन को डायरेक्टली किस में रिड्यूस कर देगा बच्चों? सी एच ओ में। ये आपके डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस नहीं करेगा, ये आपके डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपका डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, बस इतना ध्यान रखना है। अल्फा बीटा कंडीशन में एलाइलिक एल्कोहल बन जाता है, लेकिन यहां पर तो आपका सी एन है, तो सी एन के केस में यहां पर कार्बोनिल बॉन्ड नहीं है, तो सी एन के केस में आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी एच ओ में। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों, ठीक है, और भी हम यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन आई होप कि इतना आपके लिए अभी इनफ है। देखो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर समझ लेते हैं लगे हाथ कि अगर मैंने यहाँ पर सी एन कर दिया तो सी एन की रिएक्शन अगर मैंने डायबेल एच के साथ करा दिया तो क्या होगा बच्चों? तो ये आपका इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये मैं आपको बताऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, और भी रिएक्शन इस तरीके से होते हैं बच्चों, तो आपको केवल और केवल ध्यान रखना है कि साइनाइड को आपको कन्वर्ट करेगा, एक आपको किसको कन्वर्ट करेगा बच्चों? एक आपको यहाँ पर आपका नाइट्राइल साइनाइड को कन्वर्ट करेगा, एक आपको यहाँ पर साइक्लिक ईस्टर को कन्वर्ट करेगा, एक आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करेगा, और एक आपको ईस्टर को कन्वर्ट करेगा एट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे। तो ये आपके इक्वलेंट लेगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूँ तो कितने इक्वलेंट? दो इक्वलेंट। यहां पर मैं अगर बोलूँ तो एक इक्वलेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिएक्शन यहाँ पर प्रोग्रेस होगा। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।